हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए एक ह्यूमन डिजीज़ के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। तो रोग है कुरू रोग। कुरू रोग का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे क्योंकि ये काफ़ी दुर्लभ और एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली बीमारी थी। अब इसके जो रोगी है वो नहीं मिलते हैं, ये लगभग जो रोग है वो नहीं पाया जाता है। तो ये क्या है देखो बीमारी, ये जो रोग है वो मृत मानव का मस्तिष्क खाने से होने वाली बीमारी है। यानी जो लाश होती है, मृत जो मानव बॉडी होती है, उसका मस्तिष्क खाने से बीमारी होती है। अब ये मस्तिष्क कौन खाता होगा, तो कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रथाएं थी, वहाँ मानव की मृत्यु के बाद उसका जो मस्तिष्क है या उसका जो मांस है वो खाया जाता था, इसलिए बीमारी जो मनुष्य में फैलती थी। कुरू एक दुर्लभ और लाइलाज और घातक बीमारी है। दुर्लभ है मतलब बहुत कम इसके केस मिलते हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलते हैं, और लाइलाज इसका कोई इलाज नहीं है, और ये घातक बीमारी है जिसमें एक साल में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये जो रोग है ये पहले पापुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलिया में है के लोगों में पाया जाता था। ये रोग असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन जिन्हें प्रियांश प्रोटीन कहते हैं, जो संक्रमित प्रोटीन होती है के संचरण, विशेष प्रकार के प्रोटीन है जिसको प्रियांश प्रोटीन कहते हैं, जो संक्रमित प्रोटीन है। ये असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन जिन्हें प्रियांश प्रोटीन कहते हैं कि संचरण के कारण होता है, और यह प्रोटीन मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। इस रोग में रोगी बिना सहारे किसी तरह चलने या बैठने में असमर्थ होता है और गंभीर रूप से कुपोषित हो जाता है, क्योंकि भोजन नहीं निगल पाता है, भोजन निगलने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, और इस प्रकार लक्षण प्रकट होने के एक साल में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लक्षणों में देखें तो मेन जो मुख्य लक्षण है शरीर डर से कांपना, शरीर में वाइब्रेशन रहता है, शरीर लगातार कांपता रहता है, मरीज लगातार हंसना या रोना जैसे लक्षण प्रकट करता है, मरीज लगातार हंसता या रोता रहता है, अंगों में कंट्रोल न रहना यानी समन्वय की कमी हो जाती है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, और साथ में व्यक्ति की मति भ्रम हो जाता है यानी पागल साग हो जाता है, भोजन निकलने में असमर्थ हो जाता है, कुपोषित होकर व्यक्ति एक साल में मर जाता है। साथ में शुरुआत में जोड़ों में वगैरह में मस्तिष्क में मांसपेशियों में दर्द होता है, और एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है। रोग के लक्षण प्रकट होने में कई साल या दशक लग जाते हैं, रोग के लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते हैं। रोग का मुख्य कारण है नर मांस भक्षण, मनुष्य के मांस भक्षण इसका मेन कारण है, वो भी खासकर मस्तिष्क का। निवारण क्या है, नर भक्षण की जो प्रथाएं हैं उनसे बचना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। शरीर में कंपन इस रोग का मुख्य लक्षण है, क्योंकि कुरू का अर्थ ही होता है कांपना, कुरू जो वर्ड है वो कांपना से ही बना हुआ है, इसे लाफिंग सिकनेस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि व्यक्ति इसमें लगातार हंसता या रोता रहता है, इसलिए इसको लाफिंग सिकनेस भी कहते हैं। यह रोग नर भक्षण के माध्यम से पापुआ न्यू गिनी के फोर जनजाति, एक जनजाति इसका नाम है, फोर जनजाति के सदस्यों के बीच प्रसारित हुआ था। इस जनजाति के लोग मृत परिवार सदस्यों का अंतिम संस्कार के दौरान मृत परिवार के सदस्य को परंपरागत रूप से पकाया और खाया जाता था, यानी मृत्यु होने के बाद अंतिम संस्कार के दौरान व्यक्ति को परंपरागत तरीके से पकाया और खाया जाता था। इसके पीछे क्या मान्यता थी, उनकी मान्यता थी कि जो मृतकों जो मरा हुआ है व्यक्ति, उसकी आत्मा को मुक्त करने में मदद मिलेगी, ऐसी उनकी मान्यता थी। ये रोग महिलाओं और बच्चों में ज़्यादा था, ज़्यादा प्रचलित था, क्यों, क्योंकि महिलाएं मृत व्यक्ति का मस्तिष्क खाती थी, यानी मस्तिष्क वाला जो पार्ट है ब्रेन है वो महिलाओं को दिया जाता था खाने के लिए, और जो पुरुष होते थे वो अन्य भागों का मांस खाते थे, इसलिए महिला और बच्चे ज़्यादा संक्रमित होते थे। यह प्रथा है जो 1960 के दशक के बाद बंद हो गई थी, अब ऐसी प्रथाएँ नहीं प्रचलित है, और 2010 के बाद इससे कोई मौत नहीं हुई है। तो यह था कुरू डिजीज़, काफ़ी खतरनाक रोग है ये, जिसमें